हाय गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ऐसे अच्छा ही रहना चाहिए। तो शाम के बजे 6:30 और मैं कर रही हूँ शाम का अपना योगा। तो आप भी आइए और मुझे फॉलो कीजिए। अगर कोई मिस्टेक होती हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि क्या मैं गलतियाँ कर रही हूँ, क्या कमियाँ कर रही हूँ, तो मैं उसे सुधारूंगी। और आप लोग भी मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सपोर्ट तो होना चाहिए ना मुझे भी। तो सपोर्ट करोगे ना? और वो दूध, अंजीर और अखरोट की गिरी, बादाम ले रहे हो ना आप लोग? साथ में खजूर भी ऐड कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। ठीक है, तो बस ऐसे कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ, ओके? तो धीरे धीरे आप नेचुरली धीरे धीरे अच्छे होंगे। योगा से अनेक और कई फायदे हैं, तो आपको योगा आपको भी करना चाहिए। घर में सभी फैमिली मेंबर को सिखाइए और कहो कि योगा करें। ठीक है, तो आइए, बातें तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और साथ में योगा भी करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ से, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हिप में प्रॉब्लम है तो मैं लाइट लेट के नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हम चेस्ट से और शोल्डर से और हाथों से करेंगे। एकदम आराम आराम से करना है। स्टॉप। हाथों को, हथेलियों को रोटेट करना है। एकदम आराम आराम से दोनों साइड, टू साइड करना है। आराम से बैठा है इसे हमको, और आराम से ऐसे इस टाइप से इजी से, ये थाई के लिए है। मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा पेन ज्यादा है पर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रिपीट भी कर कर मैं कितना बताऊंगी आपको, बताओ। कुछ तो सीखे ही होंगे ना हम लोग भी। स्टॉप। हमको इस मुद्रा में बैठना है इस टाइप से, ऐसे। एकदम आराम आराम से करना है। स्टॉप। इस तरह से एकदम आराम आराम से दोनों कोनियों को मिलाना है नमस्ते की मुद्रा में, और हाथ खोलना है। ऐसे हमको हाथ को
एक मिनट, मेरा फोन आ चुका है। ऐसे हमको बैठना है फिर से जैसे हम लोग पंगत में खाना खाते थे पहले, अब तो चलन कम हो गया है, वैसे ही बैठना है जैसे हम लोग मंदिर में जाकर बैठते हैं अभी। ठीक है, यहां से ऐसे एकदम आराम आराम से करना है गाइस। दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोग मुझे फॉलो करोगे तो। हम सोफे बैठ के करते हैं, दिख रही हूँ ना मैं, थोड़ा सा आगे सेट करती हूँ। ठीक है, दिख रही हूँ ना इजी से। ये चेयर पे या सोफे पे, ये बैग के ऊपर बैठ के आराम से कर सकते हैं। ऐसे पैर ऐसा, राइट हैंड आगे, लेफ्ट पीछ आगे, राइट आगे, लेफ्ट आगे, राइट आगे, लेफ्ट आगे, राइट आगे, लेफ्ट आगे की ओर, राइट आगे की ओर, लेफ्ट आगे की ओर, ऐसे ही करना है कंटिन्यू 5 से 6 मिनट। रिलैक्स होके हम बैठते हैं, अब बजाएंगे ताली थाल के ऊपर। अभ्यास तो कहीं भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको कहीं भी कोई जगह मिल जाए तो आराम से आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, बेड पे, सोफे में, ट्रेन में, फ्लाइट में, किसी के घर गए हो, कहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपने छत पे वापस आते हैं। अभी देखो हाथों को ऐसे कंधे के ऊपर रखना है, इस टाइप से ऐसे करना है नीचे की ओर इजी से। क्योंकि रेगुलरली जिम तो जाने को होता नहीं, हम लोग 6 महीना जाते हैं, साल भर जा सकते हैं, 2 साल जा सकते हैं, लाइफ भर तो जिम जाने को नहीं होता। योगा ही एक ऐसी चीज है, एक मॉर्निंग वॉक ऐसी चीज है कि हम लोग हमेशा लाइफ भर का रूटीन बनाकर आराम से कर सकते हैं, सही है ना? तो आप लोग करोगे ना? मैं तो जिम जाने से बहुत डरती हूँ, इसलिए कभी जिम ही नहीं जाती हूँ। आज 15-16 साल से मैं योगा ही कर रही हूँ। आप लोग पूछते हो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, तो उसका राज यही है, योगा मेरा। और थैंक यू सपोर्ट करते हो मुझे। फोन बड़ा आ जाता है यार, सॉरी। हाँ,
हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे। थैंक यू, मुझे सपोर्ट करते हो आप लोग, इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो मुझे मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँ और थोड़ा और मोटिव हो जाऊँ, सही है ना, फिर पतली भी हो जाऊँ आपके साथ। वैसे मेरे बहुत स्वीट फ्रेंड हो आप लोग सभी, जो मुझे लाइक करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ जाता है। स्टॉप, सच ये सच है कि आपके एक कमेंट से मेरा जिगरा बड़ा हो जाता है कि नहीं यार, मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की है, सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट। सीधे डाउन, होल्ड डाउन। पंडित जी के जैसे हम लोग बैठेंगे इस तरह से और पैरों को इस तरह प्रेस करेंगे, इस पोजीशन में, इस मुद्रा में। रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स, पॉज, रिलैक्स। रिलैक्स, स्टॉप, नेक्स्ट। शोल्डर को घुमाना है, आप लेफ्ट हैंड से कर लो, घुमा सकते हो पहले, या राइट से, जहां आपको सूटेबल हो बॉडी का पार्ट। हाथ, गाइज, लाइफ का हमारा हर पल, एक एक पल बहुत हमारे लिए मायने रखता है, उन पलों को संभाल के रखो और आने वाले पल को और से ज़्यादा बेहतर बनाओ, ठीक है ना। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो हमेशा, तो आपके बच्चे भी आपका आने वाले समय में ध्यान रखेंगे, सही है ना, बातें भी ज़रूरी होती है। होल्ड, रिलैक्स, 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 होल्ड, रिलैक्स। लास्ट में बजाएंगे हम लोग ताली, ठीक है।
तो गाइस इसी के साथ मेरा योगा हुआ कंप्लीट। कोशिश आप भी ये कीजिए अपने घर में कि जितना हो सके बड़ों को अपना बच्चा बनाकर उनके साथ रहिए, कि जीवन दोबारा आने वाला नहीं है। हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को बड़ा किया है, बड़ी तकलीफ से हमको इतना पैदा करके तकलीफों संघर्षों के साथ में यहाँ तक पहुँचाया है। तो पहले बड़ों को बूढ़ों को अपना बच्चा बनाकर उनका केयर कीजिए, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। कि पुराने लोगों की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, बड़ों की ज़रूरत है। बड़े हैं तो आज घर है, वरना घर नहीं है। वो माँ के हाथ की रोटी, वो माँ हाथ की माँ के हाथ की सब्जी, वो पापा का मार्केट से आना, छोटी छोटी सी चीज़ें ले लेके आना। जब 10 पैसे में अकेला मिलता था तो वो जब 25 पैसे या 50 पैसे का समोसा मिलता था, वो सब यादों को संजो के आज उनको प्यार वापस से दोबारा दो, छोटी छोटी बातों को छोड़ के। अपने घर में अपनी फैमिली को समझाओ कि माँ बाप बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रही हो कि लड़की वाले के माँ बाप को प्यार ना करो, उनको भी करो, पर बेटों का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप का ज्यादा ध्यान रखें। बहुएं पराए घर से आती है, ना समझ बेटियां होती है, उन्हें समझाओ और अच्छे से जिंदगी गुजारो। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है। कल फिर हम नए मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।